मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुक्त सभागार में गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि IGRS व जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाए। जनप्रतिनिधि भी प्रतिदिन 2 घंटे जन सुनवाई करे और अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों का निस्तारण गुणवत्तापरक करते हुए संबंधित जनप्रतिनिधियों को निस्तारण से भी अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आकांक्षात्मक विकास खंडों की जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आयुष विश्वविद्यालय कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के कार्यों की जांच के लिए अलग अलग कमेटी बनाकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि जनपद देवरिया के जल निकासी की योजना में विलम्ब होने की जांच कर मंडलायुक्त संबंधित की जवाबदेही तय करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मंडल के चारों जनपद बाढ़ एवं सूखा के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। अधिक वर्षा होने पर कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना रहने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर मंडल इंसेफ्लाइटिस के लिए संवेदनशील मंडल है, इसलिए सभी जिले अपना सर्विलांस बेहतर रखें। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार समीक्षा करें। कोई भी मरीज 102 व 108 एम्बुलेंस के अलावा किसी अन्य साधन से ना आए। CM योगी ने आगे कहा कि धर्मस्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज़ को धीमा रखा जाए, इसके लिए थाना सर्कल स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए। कहीं भी टेम्पो स्थल बस स्टेशनों पर अवैध वसूली की शिकायत न आए, यदि कहीं शिकायत मिलती है तो कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निगम से जुड़ी परियोजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का हर जनपद सत्यापन करा ले, गौ आश्रय स्थलों को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाए और उन्हें स्ववित्त पोषित करने के लिए कार्य करना होगा। स्कूल चलो अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म मोजा आदि के पैसे गए हैं, उससे बच्चों के ड्रेस किताबें आदि की खरीद हो और बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आएं। मुख्यमंत्री ने पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत निर्देश दिए कि किसी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया आदि न रखी जाए, किसी भी शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न हो, DJ आदि का आवाज भी धीमा रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जनपद में अच्छी मंडी अस्पताल आदि के लिए योजना बनाकर शासन को भेजा जाए, साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्वामित्व योजना में और बेहतर कार्य किया जाए। स्ट्रीट वेंडरों को भी सही से पुनर्वासित किया जाए। जनपद के CD रेशियो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक किया जाए। लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा रोजगार मेला आदि लगाया जाए। जनपद के GDP को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। मंडलायुक्त GST संग्रह की समीक्षा भी करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद करके विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए कार्य करना होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया मोहद्दीपुर 4 लेन गोरखपुर वाराणसी 4 लेन के निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में चारों जनपदों के विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद के सड़क बिजली सब स्टेशन स्वास्थ्य केंद्रों डॉक्टरों की तैनाती आदि की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोरखपुर देवरिया कुशीनगर एवं महाराजगंज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हर घर जल नल योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑपरेशन कायाकल्प स्कूल चलो अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आयुष्मान भारत योजना पंचायत भवन निर्माण सामुदायिक शौचालय निर्माण उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना स्वामित्व योजना IGRS आदि पर प्रस्तुतिकरण दी। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी। बैठक में AG जोन अखिल कुमार DIG जे रविंद्र गौर मंडल आयुक्त रवि कुमार NG जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश GDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह CDO संजय कुमार मीना SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह विपिन सिंह विमलेश पासवान प्रदीप शुक्ला श्री राम चौहान सहित मंडलीय जनपदीय अधिकारीगण तथा मंडल के अन्य जनपदों के जनप्रतिनिधि अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा आगे बहुत सर
सर सामुदायिक शौचालय में जो 987 शौचालय सर ये कार्यों पर चर्चा हुई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है महाराज के द्वारा? बाढ़ की स्थिति का, सूखे की स्थिति के बारे में, जो सड़कें स्वीकृत हैं उनके बारे में चर्चा हुई, जो पुल बन रहे हैं, जो आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस सभी विषयों पर आज चर्चा हुई और समयबद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सब कार्य सम्पन्न हो जाए।